हाय एवरीवन, हिमांशु दिस साइड, योर रियल एस्टेट एडवाइजर। सो आज हम बात करेंगे व्हाई टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। एज वी ऑल नो, इन्वेस्टमेंट हमेशा बिजनेसेस में होता है, एंड आपको पता है बिजनेसेस चलते हैं कमर्शियल मार्केटप्लेस से। कमर्शियल प्रॉपर्टीज ने पास्ट रिकॉर्ड के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन दिया लोगों को। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज से अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी कंपेयर करता हूँ, तो लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज तब लेते हैं जब उनको सेल्फ यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल रेंटल इनकम बहुत कम होती है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छी आरओआई मिलती है, अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, लोकेशन वाइज आपको प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी मिलती है एक कमर्शियल हब के अंदर। देन इसके अंदर आपकी जो लीज़ होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी लंबे टाइम को आपको लीज़ टेन्योर मिल जाता है, टेनेंट का कोई हेडेक नहीं होता, लॉक इन पीरियड काफ़ी अच्छा मिलता है। देन इसके अंदर हमने एप्रिसिएशन पिछले 10 साल के अंदर 10 टाइम्स देखा एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। सो फॉर विद माई ओपिनियन, यू कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर बिलो। थैंक यू सो मच।